चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज में शासन प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। यहां सरकार से उन लोगों के लिए भी बधाई के पत्र आ रहे हैं जिनके घर प्रधानमंत्री आवास योजना में बने ही नहीं है। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है जहां सिरोंज निवासी एक व्यक्ति को शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाए जाने के संबंध में बधाई पत्र प्राप्त हुआ, जबकि उस व्यक्ति का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बना ही नहीं। गौरतलब है कि क्षेत्र में ऐसे कई लोग हैं जिनके आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बने ही नहीं, लेकिन यहाँ उन लोगों के लिए भी बधाई पत्र मिलना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आया वो क्या है लेटर आया है कि आपने कुटी बनाई, आप उसकी बधाई के पास हैं, जबकि मेरे यहाँ कोई भी कुटी नहीं बनी, ना ही मुझे कोई किस्त मिली है। मैंने यहाँ फार्म तो भरा था, लेकिन जो है हो सकता है कि मेरे नाम की कुटी किसी और को दे दी हो और बधाई पत्र मुझे दे दिया हो। अच्छा, इसकी आपकी अभी कोई शिकायत वगैरह नहीं? अभी हमने जो है मौके रूप से हुकूमत से बात करी थी, हम कल जो है लेकर शिकायत कर। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि और लोगों का भी साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई होगी? मेरे साथ ऐसा हुआ तो और अन्य लोगों का, वो न जाने कितने कागजों में कुटी बन गई है जो कि हकीकत में कुछ भी नहीं है। इस तरीके से कच्चे मकान बनने पर होंगे और कागजों में जो है कुटी बन के तैयार होती है। अगर आपके कोई संशोधन नहीं होता तो आगे आपकी क्या प्रोसेसिंग रहेगी? कार्रवाई करें हम इसमें, लिखित में लेंगे उनसे, लेंगे अधिकारियों से, आपकी कुटी नहीं बनी, नहीं तो कल को अगर किस्त जमा हुई तो मुझे जमा करना पड़ेगा ना, कर्जदार हो जाऊंगा। पांच हजार। क्या नाम लिखते हैं आप? सैयद अकबर अली। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर वो प्रधानमंत्री आवास जिसके कुटी बन चुके हैं, उन प्रशंसा पत्र आया है और उनका जो धरातल पे वहाँ पे कुछ स्वीकृति नहीं, स्वीकृति नहीं। इस विषय की चूंकि आपने जानकारी हमें दी है, ये इस प्रकार की जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या पत्र है और कौन इस प्रकार का भ्रमित कर रहा है जी। लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग छूट गए, जिनका अभी जैसे हम लोग अयोध्या बस्ती में, अयोध्या बस्ती में भी कुछ लोगों ने ये बताया था कि कुछ लोगों को मकान की जो सूची में नाम है उनको नाम भी है, लेकिन कुछ लोगों के छूटे। हम आश्वस्त करना चाहते हैं आदरणीय विधायक जी ने भी, कल हम लोग जब बैठे थे एसडीएम महोदय को इस बात को कहा है कि जो लोग छूट गए, अब एसडीएम महोदय ने भी अभी अयोध्या बस्ती में लोगों को आश्वस्त किया है कि जो नाम छूट गए हैं वो हमारी जो अगली सूची बनने वाली है जल्दी से जल्दी, कोई ऐसा नहीं कोई सालों का समय लगने वाला है। हमने आश्वस्त किया है कि जिनके नाम छूट गए उनको अभी एक महीने दो महीने के भीतर उनको अगली जो सूची होगी सूची को कलेक्टर से अनुमोदन करा के लोगों को उसका लाभ दिया जाए। तो ये बधाई पत्र ये क्या फर्जी है क्या? नहीं, मैं कोई फर्जी होने की बात नहीं करता, फर्जी है क्या असली है, क्योंकि विषय की जानकारी मेरे पास नहीं। यदि मैंने इसको देखा होता, क्योंकि आपने पत्र अभी हमें बताया है, हम इसको देख लेते हैं और कहां से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के